और अब खबर बिहार के राजगीर से, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप की वारदात पर बवाल मच गया है। हैवानियत का वीडियो वायरल होने के बाद भड़के लोग सड़कों पर उतर आए। राजगीर की सड़कों पर भड़की ये आग उस वीडियो क्लिप का नतीजा है जिसमें एक नाबालिग के साथ सात आठ दरिंदों की वहशियाना हरकत दर्ज है। गैंगरेप के दौरान अपराधियों ने अपनी करतूत का वीडियो भी बनाया और इसे वायरल कर दिया। एक से दूसरे मोबाइल तक पहुंचते पहुंचते इस वीडियो ने शहर में आग लगा दी। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ा, लेकिन आरोपियों के समर्थन में थाने में कुछ लोगों के जमा होने के बाद शहर के लोग और भी भड़क गए। पांच आदमी को पकड़ा गया है सर, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है और दबाव बनाया जा रहा है कि उन पांचों आदमी को छोड़ दो। कुछ असामाजिक तत्व क्राउड लेके सौ की संख्या में थाना पे घेराव करके बोल रहे हैं कि उन पांचों को रिलीज कर दो, और हम लोग को कहीं डर ना है कि उनको दबाव में आके पुलिस छोड़ भी दे तो हम लोग प्रदर्शन में पूरा बाजार बंद कर दिए। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर माहौल काबू में किया। राजगीर बौद्ध धर्म से जुड़ी अहम जगह है, यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि ऐसी जगह में भी पुलिस के ढीले रवैये के चलते अपराधियों का राज हो गया है। रंजीत सिंह, नालंदा आज तक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।